हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वॉर्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे कलौंजी के बारे में। तो कलौंजी तो हम सभी को अच्छे से मालूम है, क्योंकि अधिकतर भारतीय घरों में आपको कलौंजी किचन में ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल ही इतना किया जाता है, बघार लगाने में किया जाता है। उसके अलावा हम जब अचार बनाते हैं तो आम का अचार बनाते हैं ना, खट्टा खट्टा जो मसाले होते हैं उसमें कलौंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। एक तो वो प्रिजर्व भी रखती है मेथी और कलौंजी, और उसके बाद उसमें जो गुण है वो सब भी अचार में आ जाते हैं। तो इसलिए कलौंजी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और जो हम आजकल देख रहे हैं कि कलौंजी का इस्तेमाल बहुत सारी होम रेमेडीज़ में, बालों के लिए जो हम बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चाहे वो उसको पीस कर उसका लेप बना के बालों पे लगाया जाए, या उसको तेल में उबाल कर वो तेल का इस्तेमाल किया जाए, या फिर मेहंदी में पीस कर उसका पाउडर इस्तेमाल किया जाए, तो अक्सर हम कलौंजी का या ब्लैक सीड का इस्तेमाल अपनी होम रेमेडीज़ में कर रहे होते हैं। लेकिन आज जो मैं आप बात करने वाली हूँ वो है ब्लैक सीड ऑयल के बारे में, कलौंजी का तेल। जी, तो जब जो सीड्स में से हम तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके फ़ायदे अलग होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे सीड्स को पीस कर या जो भी प्रोसेस होता है उससे वो तेल निकाला जाता है। तो नेचुरल है कि उसके फ़ायदे भी उससे बेहतर होंगे, ज़्यादा होंगे। तो बहुत सारे जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें ब्लैक सीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज उसी ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, और मैं कर रही हूँ अपने बालों में। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल, हम जो फीमेल बाल्डनेस का जो पैटर्न है वो भी शुरू हो जाता है, वो दिखाई देने लग जाता है। हमारा माथा और चौड़ा हो जाएगा, यहाँ यहाँ से बाल कम हो जाएंगे, या कई बार यहाँ से बाल कम हो जाएंगे। और वैसे भी बाल काफ़ी स्कैल्प भी कम होने लग जाते हैं, स्कैल्प दिखाई देने लग जाती है। तो ये तो उम्र के साथ साथ ये सब होता ही है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा डिले कर दें। तो उसके लिए हम ये कलौंजी का जो तेल है वो एक कारगर उपाय है। और अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि बालों का जो झड़ना है वो रुक गया है, नए बाल री ग्रो होने लग गए हैं, नए बाल उगने लग गए हैं, और बालों में जो रूखापन आ गया है। बहुत सारी वजहें होती हैं कि बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो हम जब बाहर निकलते हैं, धूल है, पॉल्यूशन है, वो तो है ही। उसके बाद फिर सन डैमेज, हम बस ऐसे ही खुले बाल छोड़कर घूम रहे होते हैं, सन से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं अपने बालों को, तो उसका भी खामियाजा बालों को भुगतना पड़ता है। और उसके अलावा फिर हम कोई स्टाइलिंग कर रहे हैं, हेयर मतलब बहुत बार हम स्ट्रेट करने हैं तो स्ट्रेट, तो उसमें हम हीट का जो इस्तेमाल करते हैं उससे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे बाल हमारे डैमेज होते रहते हैं और वो रूखे और बेजान हो जाते हैं। तो अगर आप कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उन सब परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। तो आप चाहे तो खाली भी ब्लैक सीड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी और तेल का इस्तेमाल साथ में करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। जैसे आज की इस रेमेडी में मैंने कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी गंजापन दूर करने के लिए या बालों में जो और परेशानियां हो गई हैं उसके लिए भी कैस्टर ऑयल, या जिसको हम हिंदी में एरंड का तेल बोलते हैं, अंडी का तेल बोलते हैं, अरंडी का तेल बोलते हैं, या गुजराती लोग उसे दिवेल भी बोलते हैं, तो वो भी एक बेहतरीन तेल है जिसका इस्तेमाल लोग अक्सर, मतलब मुझे याद है कि बचपन में एक एक चम्मच हम सब लोग हफ्ते में एक बार अरंडी का तेल पीते थे, मम्मी पिला देती थी ताकि अंदर से भी हम स्वस्थ रहें, जो अंदर पेट की जो परेशानियां हैं उससे भी छुटकारा मिल जाए। तो आयुर्वेदिक जो उपचार लोग करते हैं उसमें अरंडी का तेल का इस्तेमाल भरपूर किया जाता है। तो बालों के लिए तो वो बेहतरीन है, और वो बालों में नमी प्रदान करता है और उसको हाइड्रेट रखता है, बालों को बढ़ाने में मदद करता है, जो गंजापन आ रहा है उसमें भी आपकी मदद करेगा।
तो क्यों ना इस्तेमाल किया जाए, जो आसानी से चीज़ें उपलब्ध हैं और जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आप बस यह है कि आपको रेगुलर उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब तक आप रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी भी रेमेडी का, आपको उसके फ़ायदे नज़र नहीं आएंगे। तो आप कम से कम 4 हफ्ते तो लगा के देखिए। तो हफ्ते में 2 बार आप लगा सकते हैं इस रेमेडी को, इस तेल को, और देखिए फ़र्क। अगर आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कोई और ऑलिव ऑयल ले लीजिए, या फिर नारियल का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और उसको फिर जड़ों के साथ साथ बालों में भी लगाइए। अब कैस्टर ऑयल क्योंकि बहुत चिपचिपा होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ उसे जड़ों में ही लगा रही हूँ, लंबाई में उनको उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो यदि हमारी जड़ें मजबूत हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो नरिश्ड हैं, तो बाल भी हमारे ज़रूर लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, और काफ़ी सारी जो परेशानियाँ होती हैं हेयर फॉल की या रूखे सूखे बालों की, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो बस इतना आसान सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अपने आप का देखभाल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, कोई महंगे प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं। अब बस थोड़ी थोड़ी जो आसपास आपकी चीज़ें हैं घर में ही जो मिल जाती हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, और अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, हेल्दी फूड खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, और बस फिर देखिए बाल अच्छे ही रहते हैं, उम्र चाहे कोई भी हो। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।